और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। ये दायित्व प्रत्येक का बनता है कि हम में से हर व्यक्ति स्वयं में रामनाथ कोविंद बनकर के एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में दिलवाने में अपना योगदान दे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रखा कि अच्छा होता कि आदरणीय रामनाथ कोविंद जी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से ही लगे और इस सहज स्वीकृति मिली। 23 तारीख शाम को रात्रि को इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। मैंने माननीय श्री सुनील बंसल जी को इससे अवगत कराया कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम होना है। मैं धन्यवाद दूंगा सुनील जी को भी, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को भी, उन्होंने आप सभी माननीय सांसदों को, सभी माननीय विधायकों को, आज आप सबकी अपनी, मैं जानता हूं एक जनप्रतिनिधि के नाते आपकी अपनी स्वयं की व्यस्तता के बावजूद आप सब आज यहां पर उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, ये सही मायने में इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की उस लड़ाई की जीत है जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का सम्मान करने के लिए हमेशा से उस तबके की लड़ाई लड़ने वाले, उनके लिए न्याय मांगने वाले, उनके लिए संघर्ष करने वाले, सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, सड़क से लेकर के सदन तक सदैव उस आवाज को बुलंद करने वाले आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई की एक जीत है और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार जब इन सब बातों का उल्लेख करते हैं, हम सबको लगता है कि वास्तव में ये केवल भाषणों तक नहीं बल्कि वह एक व्यवहारिक स्वरूपी स्वरूप में देखने को मिलता है। जब कोई रामनाथ कोविंद सत्ता की संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठ करके उस तबके की आवाज के साथ साथ देश के अंदर समतामूलक समाज के निर्माण की अपनी उस लड़ाई की अगुवाई करता हुआ दिखाई देता है और आज ये अवसर उत्तर प्रदेश को एक बार पुनः प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है आज इस अवसर पर हमारे विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी भी इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करूंगा कि उन्होंने विशेष रूप से इस कार्यक्रम में सहभागी यहाँ पर बने हैं। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का और उत्तर प्रदेश को विकास के लिए जिन्होंने मुक्त हस्त से सदैव सहयोग किया है, देश के केंद्रीय सरफेस ट्रांसपोर्ट राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी भी हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुभेंद्र यादव जी भी आज इस अवसर पर यहां उपस्थित हुए हैं। चुनाव तक तो उनकी व्यस्तता उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा थी लेकिन चुनाव के बाद वे दिखाई नहीं देते हैं। आज चुनाव के बाद यहां पर आए हैं तो मैं इस अवसर पर उनका भी स्वागत करता हूं और आप सभी माननीय सांसद विधायकों का भी हृदय से स्वागत करता हूं कि आप सब ने अपने कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए सीधे आप लोग इस कार्यक्रम में आकर के आप सब ने आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के प्रति अपना सहयोग और समर्थन व्यक्त किया है। मुझे विश्वास है कि जो बात यहां पर अभी आदरणीय श्री उपेंद्र जी ने कहा है कि 17 जुलाई को जब मतदान होगा 10 बजे से 5 बजे के बीच में, अच्छा होगा कि 16 तारीख शाम को यहां पर बैठक जरूर हो जाए और उस बैठक में कार्ड लेकर के आप लोग आएंगे, उस बैठक में ही एक रिहर्सल हो जाएगा कि कैसे उस दिन सुरेश जी एक मतपत्र छपवा लेंगे और उस मतपत्र पर एक रिहर्सल होना जरूरी है क्योंकि ये होता है कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा सावधानी बरतता तो गलती जरूर होती है। आप देखते होंगे ग्रेजुएट जो मतदाता उसमें, यानी सामान्य जो आप इलेक्शन लेते हैं जिसमें सामान्य मतदाता मतदान करता है उसमें गलती नहीं होती है, उसमें 1% से भी कम गलती होती है, उससे भी बहुत कम होता है, 0.01 पर होता है। लेकिन ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसमें सभी मतदाता स्नातक होते हैं उसमें वह गलती बढ़कर के 3 से 4% तक पहुंच जाती है।
और इसलिए सावधानी आवश्यक है। दो प्रकार से, एक उत्तर प्रदेश का के वोट का महत्व सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश का सांसद का वोट, मुझे लगता है सांसद का वोट तो सबका समान ही होगा, लेकिन विधायकों में उत्तर प्रदेश के विधायकों का सबसे बड़ा वोट है, 208 आपके वोट की कीमत। तो आपका एक वोट मुझे लगता है कि बहुत सारे राज्यों के सभी वोट के बराबर भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश का एक वोट, इसलिए आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण होगा, उसका रिहर्सल अवश्य कर लें। और उस दिन से अपना पहले दिन 16 तारीख को जो बैठक सुरेश खन्ना जी यहां वो करेंगे, वैसे भूपेंद्र जी अच्छा होगा कि हम लोगों को वोट डालने का अधिकार यहीं मिले, हम लोग विशेष रूप से अभी से व्यवस्था हो जाए, हाँ लिख के पहले से व्यवस्था हो जाएगी तो हम लोग यहाँ रह सकते हैं। हाँ उस अगर मिल जाए तो यहाँ रह जाएंगे, तो उस एक यहाँ पर ट्रेनिंग होना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक भी वोट अगर गलत हुआ तो बड़ी वैसी विकट समस्या हम सबके सामने खड़ी होगी, लोगों के सामने हम लोगों की जवाबदेही देते भी नहीं बनेंगे। इसलिए 16 तारीख को सबकी उपस्थिति और उस दिन सायंकाल होने वाली बैठक में जो यहाँ पर हम लोग मतपत्र के साथ रिहर्सल करेंगे, अपना आई कार्ड लेकर के भी आने की व्यवस्था, और 10 तारीख को 17 तारीख को 10 बजे से ही आप जाकर के वहां खड़े होंगे। ऐसा ना हो कि आप इंतजार करते रहे और बाद में पता लगा 5 बज गए तब आप जा रहे हैं, तो यह स्थिति भी ना आने पाए। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबका है, हाँ ये भी वह जलपान करके आए 10 बजे के बाद है, सुरेश जी की तरफ से जलपान की व्यवस्था रहेगी अलग से, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग सब उसी के देवनी पर निर्भर हो जाए।